जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 13 ऑफ द कैपलन फॉर एक्विटी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फंक्शंस विद इन बिजनेस। अकाउंटिंग और फाइनेंस का जो ओवरऑल फंक्शन है और उसमें फर्दर सब फंक्शंस कौन कौन से होते हैं और किसका क्या रोल है वो हमने देखना। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर आप इस काबिल होंगे कि मेन फाइनेंशियल अकाउंटिंग फंक्शंस जो है बिजनेस में आप उनको आइडेंटिफाई कर सकें, फिर उसके बाद वेरियस बिजनेस पर्पजेज जिसके लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनती है, ये आपकी डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स हैं ये क्यों बनती हैं, और फिर इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स का कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या होती है इसका कॉन्सेप्ट, इसको भी डिस्कस करेंगे। देन अकाउंटिंग फंक्शन का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो रोल है इन फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ द पॉलिसीज प्रोसीजर्स एंड परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन में जो पॉलिसीज हैं प्रोसीजर्स हैं परफॉर्मेंस है उसमें अकाउंटिंग का क्या रोल है, और फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के मेजर फंक्शंस वो क्या होंगे जिसमें ये रिकॉर्डिंग और कॉस्ट की बात है, यानी जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है जो हम पढ़ते हैं उसके बारे में कुछ होगा कि एक्चुअली वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसका टारगेट क्या होता है, जिसमें डिसीजन मेकिंग के लिए इन्फॉर्मेशन है, जिसमें बजट्स वगैरह बनते हैं सारी बातें, फिर मेन पर्पस जो है इस तरह की ये जो रिपोर्ट्स हैं जिसमें कॉस्ट शेड्यूल बनते हैं बजट्स बनते हैं वेरियस रिपोर्ट्स ये क्यों बनाते हैं, इनका मेन पर्पस क्या है, एंड देन फाइनेंस और ट्रेजरी फंक्शन जो है उसका क्या रोल है, हाउ दे कैन कैलकुलेट एंड मिटिगेट बिजनेस टैक्स लाइबिलिटी। मिटिगेशन का मतलब होता है कि टैक्स लाइबिलिटी को कम करना, कम करना से मुराद ये नहीं है कि आपका जितना टैक्स बनता है आप फ्रॉड लगा के या गलत तरीके से मैनिपुलेट करके आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी कम करें, बल्कि इसको कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस। दो टर्म्स यूज होती हैं, अभी पिछले किसी लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, एक है टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन होता है फ्रॉडुलेंट तरीके से टैक्स लाइबिलिटी कम करना, टैक्स अवॉइडेंस होता है कि जो टैक्स वालों ने रूल्स एंड रेगुलेशन और जो लॉज हैं टैक्स लॉज उनको इस्तेमाल करके तो अपनी टैक्स लाइबिलिटी को फॉर द टाइम बीइंग कम करना और फ्यूचर में जाके टैक्स जो है वो पे करना या कोशिश करना कि आपके लॉसेज और एक्सपेंसेस को इस तरीके से एडजस्ट हो कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो। वर्किंग कैपिटल और इवैल्यूएटिंग एंड ऑब्टेनिंग फाइनेंस, फाइनेंस कैसे कहाँ से मिलेगा, वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल डिस्कस हो जाएगा, ट्रेजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट। सो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ना आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो एक आपकी स्ट्रीम है और दूसरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की स्ट्रीम है इनके रोल बड़े क्लियरली सेपरेटली वाजे हो जाने चाहिए, आपको पता चल जाना चाहिए कि यार असल में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जिसमें आपके सब्जेक्ट्स हैं एफ ए वन एफ ए टू देन एफ एफ ए देन एफ आर और फिर आगे एस बी आर, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं एम ए वन एम ए टू एफ एम ए एम ए एंड देन पी एम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और फिर उसके बाद एफ नाइन जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है एग्जैक्टली उसका क्या रोल, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी सेपरेट से डिस्टिंक्शन आपको हो जाए कि कौन से एरिया में एक्चुअली किस चीज को एड्रेस किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद अकाउंटिंग का जो फंक्शन है मेन तीन मेजर उसके सब फंक्शंस हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड ट्रेजरी एंड फाइनेंस फंक्शन। यूँ समझ लें ये आपका वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एरिया है एफ ए वन एफ ए टू एफ आर एंड एस बी आर, ये आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है MA1, MA2, then F5 and P5 advanced जो performance management है वो, and then treasury and finance function, which is purely your F9 and P4, यानि financial management और advanced financial management, ये वो subjects हैं जो actually treasury और finance function को cover करते हैं। यही तीन major subject lines हैं ACCA की, और इसके अलावा एक supporting subject के तौर पर definitely हम law और tax और ऑडिट ये चीज़ें भी पढ़ते हैं। ऑडिट इज नॉट अ सपोर्टिंग सब्जेक्ट, ऑडिट इज अ सेपरेट स्ट्रीम, बट चूंकि वो अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में दैट इज अ सेपरेट प्रोफेशन, इसलिए उसको अलग से हम डिस्कस करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भी बात करता है कि इसको फर्दर हम एक्सप्लोर करेंगे इन एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एग्जामिनेशन विच इज एक्चुअली फर्स्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट दैट इज बी एफ फाइव एंड देन एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पी फाइव, और फंक्शंस ऑफ द ट्रेजरी आर आल्सो डिस्कस्ड इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफ नाइन की बात करता है, तो जो ट्रेजरी के फंक्शंस हैं वो एफ नाइन में ज़्यादा डिस्कस होते हैं। चलिए सबसे पहले हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आ जाते हैं। अकाउंटिंग फंक्शन, व्हाट इज अकाउंटिंग, आप लोगों को पता है इसकी डेफिनेशन, अकाउंटिंग क्या है, सिस्टमेटिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विद इन अ बिजनेस, ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन है।
स्ट्रक्चर मेन जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट या फंक्शन का मेजर हो सकता है वो कैसे है। सबसे पहले आपका फाइनेंस डायरेक्टर है, ठीक है। फाइनेंस डायरेक्टर के रोल में ये सारा कुछ आ जाएगा, ये जितना कुछ लिखा हुआ है इस साइड पे, दैट इज द होल फंक्शन ऑफ द फाइनेंस डायरेक्टर। डेट इक्विटी स्ट्रक्चर ये मेंटेन करना है, डेट मतलब लॉन्ग टर्म लोन कितना होगा और शेयर होल्डर का पैसा कितना होगा। फाइनेंशियल मेजरमेंट ऑफ कमर्शियल सक्सेस, ठीक है, कमर्शियली बिजनेस को सक्सेस करना है तो हाउ वी कैन मेजर द फाइनेंशियल रेशियोज एंड सच। रिसोर्स एलोकेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डिफरेंट किस्म के रिसोर्सेज को एलोकेट करना है। प्लानिंग एक्विजिशन एंड डाइवेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट प्लानिंग सिर्फ प्लानिंग एक्विजिशन एंड डाइवेस्टमेंट, एक्विजिशन होता है किसी एक कंपनी को एक्वायर करना, ठीक है। जैसे आप F3 में कंसोलिडेशन पढ़ते हैं, इन लोगों ने पढ़ी है, दैट इज एक्विजिशन ऑफ अनदर कंपनी, उसको प्लान करना। एंड डाइवेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट होता है एक जगह से इन्वेस्टमेंट उठा के उसको किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट करना, दैट इज कॉल्ड डाइवेस्टमेंट। फिर डिविडेंड पॉलिसी, इसके बारे में ये रोल इसका फाइनेंस डायरेक्टर का है। शेयर होल्डर, स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल प्रेस, ठीक है, इससे रिलेटेड मैनेजमेंट और रिलेशनशिप विद द अदर स्टेक होल्डर्स एज वेल। ये मेजर फंक्शंस हैं जो फाइनेंस के फंक्शन है, इट्स नॉट द फंक्शंस ऑफ द अकाउंटिंग, दीज आर नॉट द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, बट दीज आर द फंक्शंस ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डायरेक्टर के अंडर आप देखें एक चीफ अकाउंटेंट होगा जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ऑडिटर्स रिलेशनशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर एक ट्रेजरर है, एक टैक्स मैनेजर है और एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ट्रेजरर के जो मेन रोल्स हैं वो आप देख सकते हैं, दोज आर डेट स्ट्रेटजी। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट रोल इज द डेट स्ट्रेटजी के लॉन्ग टर्म लोन कहाँ से लेना है, कितना लेना है, इंटरेस्ट कैसे एडजस्ट करना है, उसके बारे में। करेंसी मैनेजमेंट, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट्स, ये वो उनकी सारी मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल इज रिलेटेड टू रिसीवेबल पेएबल्स एंड योर कैश, यानी करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, दिस इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। उसको मैनेज करना, कितने हमारे करंट एसेट्स होने चाहिए, कितनी करंट लाइबिलिटीज होनी चाहिए, कितने रिसीवेबल को हमने टाइम देना है कि कितने इसके बाद वो हमें पे करें, पेएबल से हमने कितना टाइम लेना है, और इन्वेंट्री, सॉरी थर्ड वन इज द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या, हमारे डेज क्या हैं, कितने दिन हमारे पास इन्वेंट्री रहती है सेल होने से पहले, और हाउ वी कैन रिड्यूस दीज डेज। देन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ये डिफरेंट टेक्निक्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम पढ़ते हैं, F9 में भी हम जाके आगे पत्थर इसको डिटेल में देखते हैं कि दैट इज कैलकुलेशन ऑफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू, IRR एंड देन पे बैक पीरियड, ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की। मकसद इसका ये होता है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की है उसको असेस करें, एवेल्यूएट करें कि वो कैसी है। फिर बैंकिंग फोरकास्टिंग, बैंक से रिलेटेड जो भी मामला था उनकी फोरकास्टिंग प्रिपेयर करना कि हाउ मच कैश वी माइट नीड इन द कमिंग फ्यूचर। इंटरनल फाइनेंस स्ट्रक्चर, इंटरनली जो फाइनेंस का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको ट्रेजरर देखता है। और रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, ओवरऑल बिजनेस में जो डिफरेंट किस्म के रिस्क हैं, फाइनेंशियल रिस्क एंड एटसेट्रा, उनको देखना और उनको प्रॉपरली रिस्पॉन्स करना और एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इन प्लेस करना। तो ये जो रोल्स हैं ये सारे के सारे ट्रेजरर के रोल हैं। सो आप कभी भी कहीं पे देखते हैं, बाद में आप एड्स देखते हैं जिसमें कहता है जी चीफ अकाउंटेंट चाहिए, ट्रेजरर चाहिए, टैक्स मैनेजर चाहिए, ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट की पोस्ट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली उनके रोल्स क्या हैं उसमें। देन इज द टैक्स मैनेजर, टैक्स मैनेजर का रोल इट्स अबाउट द टैक्स स्ट्रेटजी, टैक्स मिटिगेशन और टैक्स कंप्लायंस। टैक्स के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन से पब्लिक कंप्लायंस, टाइमली बेसिस पे टैक्स के रिटर्न सबमिट करवाना, प्रॉपर तरीके से टैक्स की कैलकुलेशन करना, ये सारी टैक्स मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेल्स टैक्स रिटर्न क्वार्टरली जाती है, फिर इनकम टैक्स रिटर्न एनुअली जाती है एंड एटसेट्रा, और भी जो डिफरेंट टैक्स की रिटर्न है उनको देखना। मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड अकाउंटिंग, दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर द यूज ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बजटिंग एंड फोरकास्टिंग इज पार्ट ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन। इंटरनल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इंटरनल क्या है, कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारा क्या है, किस तरीके से हम जो डिफरेंस वेरियंस आते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। एंड देन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आप देख रहे हैं ये दो जगह पे आ जाती है, ठीक है, आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फंक्शन में भी और आपके फाइनेंशियल उसमें फाइनेंस के फंक्शन में भी, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंस
ठीक है, दिस इज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इन द ट्रेजरर एंड दिस इज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ट्रेजरर जब इसको देखता है तो दिस इज एक्चुअली फॉर द सेक ऑफ सर्चिंग फॉर द न्यू इन्वेस्टमेंट, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की जा सकती है जो कि ज्यादा फिजिबल हो। मैनेजमेंट अकाउंटेंट जब इस चीज को देखता है तो फिर वो देखता है इस पर्पज के लिए कि जो इन्वेस्टमेंट की है हाउ इट एक्चुअली परफॉर्म, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। सो मेन फोकस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, दैट इज द परफॉर्मेंस मेजर, ये आप चीज ध्यान में रखिएगा। सो नेक्स्ट मूविंग अहेड, दैट इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हेड ऑफिस अकाउंटिंग फंक्शन। एक मेन हेड ऑफिस में अकाउंटिंग फंक्शन है, ये उसका स्ट्रक्चर है। सो सबसे पहले हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग फंक्शन को डिस्कस करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेजर फंक्शन जो है, यू नो दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट स्टार्ट्स विद द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज। डिफरेंट बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज है, ये हम ऑलरेडी बड़ी डिटेल में पढ़ सकते हैं, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, कैश बुक, पेटी कैश बुक, जनरल, ये पाँच हैं और दो इनके रिटर्न बुक्स भी होती है, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न, टोटल सेवन बुक्स अकाउंटिंग। छोटा बिजनेस है तो वो रिटर्न इन्हीं में रिकॉर्ड कर लेते हैं, अदरवाइज सेपरेट बुक्स भी रिटर्न की आप बना सकते हैं। देन ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेजर बनती हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, नोन एज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इसको कहते हैं, या इनकम स्टेटमेंट भी बाद इसको कहा जाता है। ये आपकी पूरे साल की इनकम और एक्सपेंसेस को शो करती है। इसका मतलब है कि हाउ एक्चुअली बिजनेस परफॉर्म और होल द ईयर। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअली बिजनेस की परफॉर्मेंस शो करती है कि बिजनेस ने परफॉर्म कैसे। दूसरी जो स्टेटमेंट बनती है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है, इसमें एसेट्स, लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी या कैपिटल ये होता है। तो इसमें एक्चुअली ये हमें दिखाया जाता है कि किसी भी एक सेट पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट इन टाइम पे, किसी एक खास डेट को या एक खास मौका पे हमारे कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, पोजिशन हमारी फाइनेंशियल कैसी है, तो ये पोजिशन शो करती है। थर्ड इज द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ये कैश के बारे में बताती है कि पूरे साल में कैश आया कितना, गया कितना और एंड पे हमारे पास है कितना। सो डू वी हैव अ सफिशिएंट कैश फॉर आवर फ्यूचर रिक्वायरमेंट एज वेल, उसके लिए फॉर कैश फॉर कॉस्ट भी प्रिपेयर। अलबत्ता कैश फॉर कॉस्ट प्रिपरेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नहीं बल्कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फंक्शन है, और विच इज यूज फॉर द इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन ऑफ द ट्रेजरी फंक्शन। ट्रेजरी फंक्शन को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने एक फोरकास्ट प्रोड्यूस कर दिया है, अब उस कैश को अरेंज करना ये फिर ट्रेजरी डिपार्टमेंट का काम है कि कहाँ से वो कैश अरेंज करेगा। शेयर सेल करके करेंगे, लॉन्ग टर्म लोन लेके करेंगे, पेबल का टाइम बारो करके करेंगे, रिसीवेबल का टाइम शॉर्ट करके उससे पैसे लेंगे, इन्वेंट्री डिस्काउंट लगा के इन्वेंट्री जल्दी सेल करके लेंगे, कैसे करना है ये अब ट्रेजरी का फंक्शन है। ये नॉर्मली हमारा वो रिकॉर्डिंग का सीक्वेंस है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं प्राइम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में, फिर लेजर अकाउंट्स बनते हैं, फिर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, आप सारे इससे फैमिलियर हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिजनेस क्यों बनाता है, डिफरेंट यूजर्स हैं, यूजर ग्रुप्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी नीड्स होती हैं, उनकी नीड्स पूरा करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं। ये हम बड़ी डिटेल में स्टेक होल्डर्स के चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि ओनर्स हैं, मैनेजर्स हैं, बैंक्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, सप्लायर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, किस किस के क्या स्टेक्स होते हैं, वो अपने अपने स्टेक्स के मुताबिक उसमें से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट रिपोर्टिंग इज इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, दिस इज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक नई चीज है। इसको जरा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। इंटीग्रेशन का मतलब होता है आपस में जोड़ना, मिला हुआ होना, अटैच होना। सो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग से एक कॉन्सेप्ट जो ध्यान में आता है कि यार डिफरेंट किस्म के रिपोर्ट्स जो हैं वो एक ही छत तले, एक ही स्टेटमेंट में वो सारी की सारी पब्लिश कर दिए जाते हैं। एग्जैक्टली यही मीनिंग है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का भी, कि जब हम रिपोर्ट्स देते हैं तो सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स नहीं, कहता है कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उनमें आपने अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन भी डाल दी है। वो क्या है, वो ये है बट आगे है, बट इज नॉट लिमिटेड टू, यानी इसमें आप फर्दर भी एडिशन कर सकते हैं। Number one, major risks the organization faces and any actions they have taken to deal with these risks. Currently, business के कौन कौन से risks हैं, उनको आप किस तरीके से response दे रहे हैं,
ये भी आप उस रिपोर्ट का हिस्सा बनाएंगे यानी रिस्क मैनेजमेंट, देन ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस एथिक्स और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, ये हम पढ़ चुके हैं CSR क्या है, एथिक्स और इसके हवाले से ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कैसी रही, ये एक रिपोर्ट भी हम उसी का हिस्सा बना देंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है विद रिगार्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपकी आ जाती है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है, कि आपने एनवायरमेंट से रिलेटेड क्या क्या काम किया, आगे डिटेल में हम देखते हैं कौन सी रिपोर्ट होती है विच एक्चुअली शोज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये देखें जी, इसकी डिटेल एक्सपेंडेबल टेक्स्ट में उसने दी है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में, उसने इस कॉन्टेक्स्ट में तो यही उसने बताया है कि जी खाली ये ना बताया जाए कि कंपनी की फाइनेंशियल वायबिलिटी कैसी है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी भी बताई जाए, स्टेक होल्डर्स को कंपनी की वेल बींग के बारे में भी बताया जाए और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें ऐड करेंगे। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ सकती है, इट इज़ अ बैलेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं बल्कि क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन जो आपका एनालिसिस है इन द क्वालिटी फॉर्मेट वो भी आपने देना है। फिर पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर परफॉर्मेंस को आपस में लिंक करना है ताकि जो यूजर्स हैं तो यहाँ से परफॉर्मेंस देख के तो आप खुद से एनालिसिस कर सकें। देन कंसिडर द रेगुलेटरी इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस, कौन कौन से रूल इस वक्त रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हमारी क्या क्या है और हम किस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये भी रिपोर्ट का हिस्सा हो ताकि स्टेक होल्डर्स को ये पता हो कि कहीं हम कोई भी रेगुलेटरी ऐसी रिक्वायरमेंट तो नहीं जिसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। प्रोवाइड्स एनालिसिस ऑफ फैक्टर्स दैट कुड इम्पैक्ट इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर रिस्क फ्यूचर थ्रेट्स, कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं और वो इम्पैक्ट की नेचर क्या होगी और उसका असर ऑर्गेनाइजेशन पे कितना होगा, ये सारा एक एनालिसिस किया जाता है। सो देयर आर सिक्स टाइप्स ऑफ कैपिटल व्हिच इज प्रेजेंटेड इन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, वो कौन कौन से कैपिटल है। सबसे पहले फाइनेंशियल कैपिटल, ये वही कैपिटल है जो अब तक हमने पढ़ा, दैट इज द शेयर कैपिटल या लॉन्ग टर्म लोन डेट कैपिटल, पैसों के हवाले से जो भी कैपिटल है ये वो, इसके बारे में आपने बताना है जी इसको हमारे पास क्या है, शेयर कितने इश्यूज हैं, बैंक नोट्स कितने हैं, ताकि आपको पता चले कि इस वक्त कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। सेकंड कैपिटल इज मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, इस वक्त आपके पास जो मटेरियल, जो रॉ मटेरियल, जो गुड्स, आपके फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स जो कि प्रोडक्शन में रोल प्ले कर रहे हैं, टूल्स, मशीन, बिल्डिंग, दीज ऑल आर ऑल्सो फॉर्म ऑफ अ कैपिटल, इसको कहते हैं मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। तो इसको अलग हेडिंग देके ताकि हम फाइनेंशियल कैपिटल को मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल से अलग रखें। देन कम्स द इंटेलेक्चुअल कैपिटल, ये वो कैपिटल है जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉर्मली कहीं जिक्र नहीं होता अगर हम इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग ना प्रिपेयर करें। उसमें क्या है कि वैल्यू ऑफ अ कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉई नॉलेज, बिजनेस ट्रेनिंग एंड एनी प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन, यानी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो सिर्फ आपकी है, जो इंटेलेक्चुअल लेवल आपके एम्प्लॉइज के नॉलेज की वजह से, उनकी स्किल की वजह से जो एक कंपेटिटिव एडवांटेज है आपके पास, दैट इज कॉल्ड द इंटेलेक्चुअल कैपिटल। कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ऐसी आपके पास, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी और के पास नहीं है, तो दैट इज इंटेलेक्चुअल कैपिटल। देन इज द ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल में आपने लोगों के बारे में बताना है कि हमारे पास लोग जो हैं उनकी हेल्थ का क्या सिस्टम है, हाउ मच हेल्दी दे आर, हाउ मच नॉलेजेबल दे आर, हाउ मच स्किल्ड दे आर, हाउ मच मोटिवेटेड दे आर, तो ये सारी की सारी ह्यूमन कैपिटल की इंफॉर्मेशन भी देनी है ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो देख सकें कि यार कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं हाउ मच मोटिवेटेड एंड एंथुजियास्टिक पीपल दे आर। नेक्स्ट फिफ्थ टाइप ऑफ कैपिटल इज सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल। देखें बाज़ूकात आपको ना जो आपके कनेक्शन है ना वो भी फायदा दे जाते हैं। नॉर्मली कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अपने पास शायद इतना पैसा ना हो लेकिन उनके कनेक्शन और रिलेशन इतने बड़े स्ट्रांग हैं कि कोई भी काम उनका नहीं रुकता, छोटे मोटे कोई भी काम कहीं भी किसी भी इदारे में चला जाए कोई ना कोई उनका जानने वाला बंदा वहाँ बैठा, दिस इज ऑल्सो अ कैपिटल, ये भी आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है जो आपने की हुई है, ठीक है। तो ये फैमिलीज, कम्युनिटीज, बिजनेस, ट्रेड यूनियन, ये सारे जो कनेक्शन हैं दिस इज कॉल्ड द सोशल कैपिटल। इसकी भी रिपोर्ट आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देनी है कि हमारे पास कौन कौन सा सोशल कैपिटल है और वक्त आने पे किस कैपिटल को हम कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं।
देन इज द नेचर कैपिटल, कुदरती दिखाएं मादनिया, आपके पास कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, एनर्जी कौन कौन सी अवेलेबल है, मुख्तलिफ ममालिक में ये मुख्तलिफ होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों किस्म के रिसोर्सेज का आपने जिक्र करना है। मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चरल बिजनेस है तो जाहिर है जमीन पानी ये वो रिसोर्सेज हैं जो शायद हर जगह पर ना अवेलेबल हो, ठीक है, जहाँ पे मुल्क की किसी मुल्क की जमीन बड़ी जरखेज है, दैट इज अ नेचुरल कैपिटल। तो ये वो चीज़ है जिसके ऊपर आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, बल्कि बाय नेचर आपको एक इन्वेस्टमेंट हुई हवाई मिल गई है। इसको आप किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नेचुरल कैपिटल को कैसे आप यूज कर रहे हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन नेचुरल कैपिटल में आई है। तो दीज आर द सिक्स टाइप्स ऑफ कैपिटल जो कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में आपने हर एक कैपिटल को बताना है, चाहे इंटरनल और एक्सटर्नल, टेंजेबल और इंटेंजेबल, तमाम किस्म के कैपिटल जो आपके पास अवेलेबल हैं जिनसे आप बेनिफिट ले सकते हैं, उनकी आपने इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में पूरी की पूरी एक रिपोर्ट इशू करनी है। नाउ जस्ट थिंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हद तक जब जितना हमें पता था उससे हम क्या कहते थे, अच्छा यार एक प्रॉफिट एंड लॉस होती है, एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है और एक स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन मिलती है ना इससे। लेकिन जस्ट थिंक के जब ये तमाम किस्म के कैपिटल उसमें शामिल हों तो हम कंपनी का कितना बेहतर एनालिसिस कर सकेंगे, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है उसको कंपनी का एक फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव हर एंगल से उसको उसका एनालिसिस करना आसान हो जाएगा और उसके लिए डिसीजन लेना इजी हो जाएगा कि वेदर आई शुड इन्वेस्ट इन द कंपनी और नॉट। दूसरा, जब आप इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग प्रिपेयर करते हैं तो उसमें आप नेचर कैपिटल, नेचुरल कैपिटल, सोशल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल सारों का जब जिक्र करते हैं और आप किस तरीके से इनको प्रिजर्व कर रहे हैं, जब इसका जिक्र होता है तो बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ती है अमंग कस्टमर्स, ठीक है, उससे आपकी फ्यूचर सेल बढ़ती है, बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी होगी तो उसका ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ेगा। IIRC एक इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल है, अगस्त 2010 में फॉर्म अप हुई और इसका मकसद यही था कि जो रिपोर्टिंग होती है उसमें इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग को शामिल किया जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो कंटेंट हैं खाली वो फाइनेंशियल तक लिमिटेड ना रहें बल्कि इंटीग्रेटेड रिपोर्ट पर भी होनी चाहिए। साफ गाइडिंग प्रिंसिपल दिए इन्होंने, सबसे पहले उन्होंने कहा जी कि स्ट्रेटेजिक फोकस एंड फ्यूचर ओरिएंटेशन, आपने अपनी रिपोर्ट में प्रोवाइड करना है कि लॉन्ग टर्म फोकस, स्ट्रेटेजिक मींस के मेरी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कौन सी हैं, उन पे फोकस करें और अपनी फ्यूचर ओरिएंटेशन बताएं कि फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन क्या करने जा रही है। कनेक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन, उस रिपोर्ट में डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन को आपस में कनेक्ट करके एक होलिस्टिक व्यू दिया जाए, एक ओवरऑल व्यू दिया जाए, ताकि देखने वाला जो है उसको इतना खुद से एनालिसिस ना करना पड़े बल्कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कंपेटिटर्स इंडस्ट्री की सारी इंफॉर्मेशन को लिंक करके रिपोर्ट प्रिपेयर हो ताकि इसका जो यूजर है वो इजीली एनालिसिस कर सके। स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप, दिस इज वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट, उन्होंने कहा जी इसके बारे में भी आपने बताना है। मटीरियलिटी, रिपोर्ट में तमाम मटीरियल मैटर्स जो है वो मैटर्स जो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के जामिन है और वो मटेरियल हैं, उन सारों को आपने रिपोर्ट में शो करना है। देन कंसाइजनेस, कंसाइजनेस का मतलब ये है कि इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बनाते बनाते ये ना करें कि पूरी एक बुक तैयार हो जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जिसको कोई पढ़ ही ना सके। इट शुड बी कंसाइज बट रेलेवेंट, तमाम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो आप उस रिपोर्ट में जरूर शामिल करें लेकिन उसको इतना लेंथी ना कर दें कि पढ़ने वाला जो है वो फिर उसको पूरा पढ़ ही ना पाए। रिलायबिलिटी एंड कंप्लीटनेस, ये तो शुरू में हमने बात की थी कि जब तक इंफॉर्मेशन में ये दो एलिमेंट्स नहीं होते हैं उसका फायदा नहीं है, जो सोर्स जितना भी है दैट मस्ट बी रिलायबल, सारी की सारी तमाम पॉजिटिव नेगेटिव इंफॉर्मेशन आपने सारी बतानी है, एक बैलेंस्ड प्रेजेंटेशन उसकी देनी है। कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी, इंफॉर्मेशन मस्ट बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट इन्होंने जिक्र किया था कि अकाउंटिंग पॉलिसीज हर जगह पर सेम अप्लाई करें, उसके बाद ईयर बाई ईयर कंसिस्टेंट रहें और फिर कंपेरेबिलिटी, आपकी इंफॉर्मेशन ऐसी हो विच कैन बी कंपेरेबल टू द अदर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, फॉर दैट यू मस्ट प्रिपेयर द रिपोर्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो जो आप प्रिपेयर करेंगे डेफिनेटली दैट वुड बी कंपेरेबल इंफॉर्मेशन। सो दीज आर द सेवन प्रिंसिपल्स जो IIRC ने यानी इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल ने दिए हैं और उन्होंने ये साथ में
कंटेंट भी दे दिए हैं. व्हाट आर द कंटेंट एलिमेंट्स? तो देयर आर 8 कंटेंट एलिमेंट्स ऑफ द रिपोर्ट. एक ऑर्गेनाइजेशनल ओवरव्यू एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ऑर्गेनाइजेशन का ओवरव्यू बताएं. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपको याद है कि हम बड़ी डिटेल में एनवायरमेंटल एनालिसिस, जिसमें हमने पेस्ट एनालिसिस किया एंड देन कंपेटिटर एनालिसिस, वो सारे का सारा एनालिसिस बताएं. गवर्नेंस के बारे में बताएं, ये हम पढ़ चुके हैं कि गवर्नेंस के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, किन को फॉलो कर रहे हैं हम, किन को नहीं फॉलो कर रहे, कंप्लाई और एक्सप्लेन वाली कहानी बताएं. बिजनेस मॉडल, अपनी बिजनेस मॉडल बताएं कि हाउ वी आर कंडक्टिंग द बिजनेस. रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज की हेडिंग में ये आप बताएं कि जी इसमें हमारे पास क्या क्या रिस्क हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं. स्वॉट एनालिसिस जिसको हमने पढ़ा था, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस करें. स्ट्रेटजी एंड रिसोर्स एलोकेशन की बात ये हमने शुरू में भी की थी कि जो फाइनेंस चैप्टर है उसी की हेडिंग में आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में. लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या है एंड कौन कौन से रिसोर्सेज है और हमने उसको किस तरीके से एलोकेट किया है, किस तरीके से बैलेंस किया है. परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ऑब्जेक्टिव किस हद तक अचीव किए, अगेन परफॉर्मेंस मेजरमेंट, दिस इज थ्रू वेरियंस एनालिसिस एंड मैनी अदर मेथड ऑफ द परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो आप अपने डिफरेंट सिलेबस एरियाज में पढ़ेंगे. आउटलुक, आउटलुक से ब्रॉड की ओवरऑल आउटलुक क्या है, कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन कौन सी अनसर्टेनिटीज हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन इनकाउंटर कर सकती है, फ्यूचर परफॉर्मेंस पे किस तरीके से वो अफेक्ट कर सकती है. एंड बेसिस ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, यानी जो आपकी बेसिस हैं वो क्या है इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में, एंड आर सच मैटर्स क्वान्टिफाइड और इवेल्यूएटेड, कौन कौन से मैटर्स हैं जिनको सामने रख के आपने अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर की हैं. यानी ये 8 हेडिंग्स जो हैं ये आप बना लें और अपनी पूरी रिपोर्ट इस हेडिंग में डाल के आप दे दें. दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग. तो दिस वॉज अबाउट द फाइनेंशियल अकाउंटिंग फंक्शन. तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है इसमें एक्चुअली आप मैनेजमेंट को असिस्ट करते हैं, तो तमाम इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं ताकि मैनेजमेंट क्या कर सके, प्लान कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग. हमने पढ़ा था ओवरऑल मैनेजमेंट के काम है. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करेगा, मेनली 3 काम, कॉस्ट शेड्यूल, बजट्स और वेरियंस रिपोर्ट्स. आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट भी देखें, सबसे पहले हमने कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट बिहेवियर वो सारा कुछ पढ़ा था, फिर हमने वो डिफरेंट कॉस्टिंग टेक्निक्स पढ़ी ताकि हम बजट प्रिपेयर करना चाहें कर लें. फिर उसके बाद इसी में आपका कैश बजट का टॉपिक भी है जिसमें कैश फॉरकास्ट प्रिपेयर करते हैं. देन वेरियंस एनालिसिस, दीज आर द मेजर टॉपिक्स जो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट एज वेल, जो कि उसका अगला हिस्सा है. कॉस्ट शेड्यूल क्या है, इसमें डिफरेंट किस्म के एक्सपेंसेस, कॉस्ट यूनिट्स, कॉस्ट यूनिट सारी के सारे आप पूरे का पूरा स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड प्रिपेयर करते हैं. ये एक स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड है, ये हमने MA1 जब स्टार्ट किया था या MA2, तो उसका बेसिक आपने पढ़ा था, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसिस, फिर वेरिएबल ओवरहेड, मार्जिनल कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड, टोटल कॉस्ट एटसेट्रा. यू कैन इजीली गो थ्रू दिस, आप सारे इससे फैमिलियर हैं. डिसीजंस की जब हम बात करते हैं तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट है किस किस डिसीजंस में हमें हेल्प आउट करती है. प्राइसिंग डिसीजंस, क्या प्राइस रखें कि ना सिर्फ आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो बल्कि आपकी सेल भी बढ़े. ब्रेक इवन एनालिसिस, दिस इज प्योरली अ स्पेसिफिक टॉपिक जो हम MA2 में पढ़ते हैं, देन आगे F5 में भी है. ब्रेक इवन का मतलब कि हम कम से कम कितनी यूनिट्स बेचें कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस में हैं, तो दैट इज कॉल्ड द ब्रेक इवन. कम से कम एटलीस्ट हम कॉस्ट तो अपनी सारी कवर करें ना, ताकि लॉस की तरफ तो ना हम जाए, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन एनालिसिस. फिर की फैक्टर एनालिसिस, दूसरा इसका नाम है लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस, कि कौन सा हमारा रिसोर्स है जो लिमिटेड है. अब तमाम की तमाम डिसीजन मेकिंग उसको देख के होगी ताकि उसको, उस रिसोर्स को जो लिमिटेड है उसको ऑप्टिमम यूज किया जा सके. देन इज द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल. इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हम डिफरेंट किस्म की इन्वेस्टमेंट को असेस करते हैं थ्रू पे बैक पीरियड, थ्रू नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन, थ्रू IRR कैलकुलेशन. तो ये सारा हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में पढ़ते हैं. वी प्रिपेयर द बजट एज वेल. बजट एक्ट्स एज अ टारगेट, बजट एक्ट्स एज अ मोटिवेशनल फैक्टर, बजट एक्ट्स एट अ यार्ड स्टिक जिसको सामने रख के फिर आप अपनी परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं. बजट की रीजंस क्या हैं, तो रीजन बजट की याद रखने के लिए आप ये जो एक्रोनिम है क्रम्प, ठीक है, क्रम्पेट, इसको आप याद रख लें कि बजट का क्या फ़ायदा होता है. कोऑर्डिनेशन, जब बजट बनता है ना सारे आपस में मिलते हैं, मिलकर बैठते हैं, सारे अपनी अपनी नीड्स बताते हैं, फिर जो फाइनेंस डायरेक्टर रिसोर्सेज देखता है कितने हैं और फिर सबको अकॉर्डिंगली रिसोर्स एलोकेट करता है, दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी.
इसके बाद बजट में हर एक मैनेजर को किसी ना किसी चीज का रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाता है, उसको अथॉरिटी दे दी जाती है अपने एरिया में, और फिर उससे उसके बारे में अकाउंटेबिलिटी दी जाती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट, यूटिलाइजेशन, जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको आप फिर प्रॉपर तरीके से जब आप बजट बना कर चलते हैं ना, उनकी यूटिलाइजेशन बेहतर हो जाती है। मोटिवेशन, शुरू में मैंने बात की, बजट एक्ट्स एज अ टारगेट। टारगेट जब क्लियरली आइडेंटिफाई होता है तो पीपल इज और मोटिवेटेड, तो फिर मोटिवेट होकर काम करते हैं। इसलिए बजट इज अ मेजर मोटिवेशनल फैक्टर। प्लानिंग, एक कहावत है कि अब फेल टू प्लान इज अ प्लान टू फेल। अगर आप प्लान नहीं करते तो एक्चुअली आपने फेल होने का प्लान बनाया होता है। सो बजट इज अ क्वांटिटेटिव प्लान, बाकायदा आपको क्वांटिटी में एक पूरा प्लान मिल जाता है जिसको देख कर फिर आप आगे चलते हैं। सो ई फॉर इवेल्युएशन, यानी परफॉर्मेंस मेजरमेंट जब आपने करनी है एट द एंड ऑफ द पीरियड, आप देख सकते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, बजट क्या था, एक्चुअल रिजल्ट क्या है। एंड टेलिंग, बजट इज ऑल्सो यूज फॉर द कम्युनिकेशन, बाकी लोगों को बताएगा कि यार उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बजट में जाहिर है जब आप टारगेट सेट करते हैं तो हर एक बंदे के लिए वो टारगेट होते हैं, तो हर बंदा जो है वो देख लेता है कि व्हाट एक्चुअली आई एम आस्क्ड टू डू, व्हाट एक्चुअली आई एम रिक्वायर्ड टू अचीव। सो कम्युनिकेशन, उस तक बात भी पहुंच जाती है। तो टेलिंग मीन्स कम्युनिकेशन। तो ये क्रम्पेट एक है, दीज आर द purposes of the budget, these are the uses of the budget, जो आप यहाँ कर सकते हैं। Major drawback budget का क्या है कि यार it only estimates of what will happen in the coming period। कहता है कि हो सकता है कि ये एक probability है ना, एक estimate ही है, future uncertain होता है, तो जरूरी नहीं है कि शायद business जो है वो budget के मुताबिक achieve भी करता है। उसके लिए फिर हम एक variance report prepare करते हैं जिसमें हम दिखाते हैं कि एक्चुअल हमारे बजट क्या था, हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स क्या हैं, व्हाट आर द की डिफरेंसेस फ्रॉम बजट टू एक्चुअल। उसके लिए फिर एक वेरियंस रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। वेरियंस रिपोर्ट में हम वो एरियाज जो एक्सेप्शनल होते हैं, एक्सेप्शनल से मुराद कि हमने एक लिमिट रखी होती है कि लेट्स से हमारी जो मटीरियल का परचेज बजट है वो प्लस माइनस 5% हो जाए तो कोई बात नहीं, 5% फेवरेबल आ जाए वेरियंस या 5% एडवर्स आ जाए। फेवरेबल मीन्स के बजट से हमारी एक्चुअल कॉस्ट कम हो जाए या बजट से हमारी एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा हो जाए, तो एक थ्रेशोल्ड लेवल हमने रखा होता है, उस थ्रेशोल्ड के अंदर अंदर हो तो दैट्स ओके, लेकिन उससे ज़्यादा हो जाए चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, यानी फेवरेबल हो या एडवर्स हो, दोनों सूरतों में हमने उसको रिपोर्ट करना होता है। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन रिपोर्टिंग, यानी जो एक्सेप्शनल आइटम्स हैं उनको ज़रूर रिपोर्ट करना है। प्रिवेंट एडवर्स, उसकी रिपोर्टिंग का फायदा क्या होता है कि बाद अगर हम देखते हैं कि यार दोबारा से ये जो एडवर्स हैं वो ना आए, जो फेवरेबल वेरियंसेस हैं वो बार बार आए, ठीक है, या ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट्स बैक ऑन कोर्स टू अचीव द बजट टारगेट्स, कि कम से कम जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं उनको वापस लाया जाए उस लेवल पे कि जो टारगेट हमने रखा हुआ है वो हम अचीव कर सकें। सो दीज आर द वेरियंस रिपोर्ट प्रिपेयर्ड फॉर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड बिजनेस पॉलिसी परफॉर्मेंस, अगेन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आपको पता है कि प्लानिंग कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग मेन काम होते हैं, तो इसमें आप प्लान करते हैं तो पूरी बिजनेस की फ्यूचर पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी लॉन्ग टर्म भी और इसमें शॉर्ट टर्म भी, कि एक साल में हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, वी एक्चुअली प्रोड्यूस द स्ट्रेटेजी एज वेल। तो नॉर्मली वेरियंस एनालिसिस को हमने क्या करना है कि डिफरेंस, वेरियंस एनालिसिस को हम तोड़ लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दिस इज अ सेपरेट टॉपिक। वेरियंस एनालिसिस की यहाँ तक बात होगी कि वेरियंस एनालिसिस जो है वो हम एक्चुअली करते हैं जिससे हमारी एक डायरेक्शन वाजिब हो जाती है। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये एक ऐसी बात है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि एक तो ये एरियाज हैं जिसमें हम डिफरेंस दोनों में देखें। इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की होती है, मैनेजमेंट का मेन फोकस इंटरनल होता है एम्प्लॉइज और मैनेजर्स के लिए, फाइनेंशियल का मेन फोकस एक्सटर्नल से। इसका पर्पस क्या होता है मैनेजमेंट का, प्लानिंग कंट्रोल डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट के लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करें और अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो है उसको प्रिपेयर करें। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देर आर लिमिटेशंस ऑन द कंपनीज, देर आर सम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, देर आर सम SECP रिक्वायरमेंट्स, उसके मुताबिक आपने फॉर्मेट, इसमें कोई फॉर्मेट सेट फॉर्मेट नहीं है, मैनेजमेंट डिसाइड, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सेट फॉर्मेट है IAS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमें बकायदा से एक फॉर्मेट देता है।
नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों है, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मोस्टली फाइनेंशियल होती है। टाइम पीरियड इट इज हिस्टोरिकल एंड फॉरवर्ड लुकिंग, यानी पास्ट डेटा भी और फ्यूचर भी, फोर कॉस्ट चार साल की भी बना लें, पाँच साल की भी बना लें, देर इज नो सेट टाइम पीरियड। ये नॉर्मली हिस्टोरिकल बेस्ड डाटा पे पिछले एक साल या छः माह का पीरियड होता है, उसकी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताते हैं। दीज आर द मेजर डिफरेंसेज ऑफ द मैनेजमेंट फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। रेस्ट ऑफ द ट्रेजरी फंक्शन इंशाल्लाह उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो, यू गाइस मेक कॉन्टैक्ट।